नमस्कार दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि भैया आप प्लीज़ एंटी मैटर और डार्क यूनिवर्स पर एक वीडियो ज़रूर बनाओ। अब क्योंकि मेरा भी काफ़ी मन था इस पर वीडियो बनाने का, पर कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। पर पहली बार मेरे चैनल पर किसी वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी तो मैं कैसे छोड़ता। काफ़ी सारा रिसर्च करके मैं आ गया हूँ एंटी मैटर के वीडियो को लेकर। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंटी मैटर है क्या। अब एंटी मैटर को समझने से पहले आपको मैटर के बारे में जानना होगा। 10th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा कि मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि आपके आसपास जितने भी सारी चीज़ें दिख रही हैं वो मैटर है, यहाँ तक कि ये हवा भी, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन हम एंटी मैटर की बात करें तो ये हमारे नॉर्मल मैटर से बिल्कुल ही अलग है। इसके ऑरिजिन से जानते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। देखो, जब बिग बैंग हुआ था तो हमारे यूनिवर्स में केवल एनर्जी ही एग्जिस्ट करती थी, चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी था। लेकिन लाखों करोड़ों साल बाद हमारा यूनिवर्स थोड़ा ठंडा हुआ और ये एक्सपेंड भी करता गया, और इसके बाद मैटर और एंटी मैटर का निर्माण हुआ। मैटर बना होता है प्रोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर। वहीं हमारा जो एंटी मैटर है वो एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एंड यू नो व्हाई, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते होगे तो आपको यूनिवर्स के बैलेंस के रूल के बारे में पता होगा। यानी कि यूनिवर्स स्टेबिलिटी बनाने के लिए सभी चीज़ों को बैलेंस रखता है ताकि सभी चीज़ें स्थिर रहे, और इसलिए क्रिएटर ने मैटर के साथ साथ एंटी मैटर को भी बनाया। नॉर्मल मैटर की तरह एंटी मैटर भी एटम्स और पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, बट यहाँ एंटी मैटर में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट काफ़ी डिफरेंस होता है। इट हैज़ द अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, और इस वजह से अगर कोई मैटर किसी दूसरे एंटी मैटर से टकराएगी तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इस प्रोसेस से 100% प्योर एनर्जी निकलेगा। नासा के अनुसार केवल 1 ग्राम एंटी मैटर का कीमत $62 ट्रिलियन हो सकता है। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, अगर हम दुनिया के सारे देश के जीडीपी को भी ऐड कर दें तो वो भी इसका बराबरी नहीं कर पाएगा। मतलब कि केवल 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने में पूरी दुनिया की जीडीपी लग जाएगी और फिर भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको एंटी मैटर साइंस फिक्शन लग रहा होगा, बट ये रियल है। एंटी मैटर बिग बैंग के बाद ही बना था, बट इस टाइम पर एंटी मैटर यूनिवर्स में काफ़ी रेयर है, और साइंटिस्ट इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टडी किया था उसके अनुसार बिग बैंग के बाद मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में निर्माण हुआ था, लेकिन हमें अभी तक एंटी मैटर दिखा ही नहीं। ऐसा क्यों? देखो, एंटी मैटर ना डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही की तरह एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था तो मैटर और एंटी मैटर तो बराबर मात्रा में प्रोड्यूस हुआ था, बट अभी ये कहाँ है किसी को नहीं पता। शायद फ्यूचर में कोई ऐसा साइंटिस्ट जन्म ले जो इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर दे। क्या पता वो इंडिया का ही कोई साइंटिस्ट हो, क्या पता वो इस वीडियो को देख रहा हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल ब्रो, बिलीव इन योर सेल्फ। अब मैं बताता हूँ कि हमें एंटी मैटर क्यों नहीं मिलता है। देखो, मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे का अपोजिट है। ये दोनों अगर एक दूसरे से कोलाइड करेगा तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, और इससे 100% प्योर एनर्जी निकलेगा। और इस चीज़ का पता चलने के बाद एक थ्योरी सामने आई थी। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स के शुरुआती समय में एंटी मैटर से ज़्यादा मैटर बना होगा, एंड आफ्टर म्यूचुअल एनिहिलेशन यहाँ केवल मैटर ही बच गई, जिनसे ये गैलेक्सी, ये स्टार्स और इवन ये प्लैनेट्स बना हुआ है। मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था कि मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से मिलकर 100% प्योर एनर्जी एमिट करते हैं। इसे देखते हुए हमें ये समझ आता है कि एंटी मैटर हमारे लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। हम इसका यूज़ स्पेस एक्सप्लोरेशन में कर सकते हैं, साथ ही मेडिकल में भी। वो अलग बात है कि इससे हम डेडली वेपन्स भी बना सकते हैं, बट हमारा ये इंटेंशन है नहीं अभी तक, बट क्या पता फ्यूचर में हो जाए। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स इसका यूज मेडिकल के फील्ड में करना चाहते हैं। वहीं नासा डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए
लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास चला गया तो वो इससे वेपन भी बनाने लगेगा। नासा ने एंटी मैटर को लेकर काफ़ी सारे रिसर्च किए थे और उसने ये पाया कि अगर हम एंटी मैटर का यूज़ रॉकेट फ्यूल में कर सकें तो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो सपना है, वो काफ़ी ईजी और इफ़ेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपने स्पेसक्राफ्ट को लाइट के 50% स्पीड तक ले जा सकेंगे। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम अपने सबसे करीबी सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी को भी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। अब अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, ये सभी को सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि एंटी मैटर बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय पर न्यूक्लियर एनर्जी को भी ऐसे ही देखा जा सकता था जो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बदलने का हिम्मत रखता है। पर आज देखो, पूरी दुनिया के पास न्यूक्लियर एनर्जी है, जिसका एक एग्जाम्पल एटम बॉम्ब भी है, और कुछ ऐसा ही एंटी मैटर के साथ भी होने वाला है। अभी दुनिया के कई सारे अमीर देश एंटी मैटर को बनाने में लग गए हैं। आपको ये सब पता नहीं चलेगा, आपको एक दिन एक आर्टिकल पब्लिश होता हुआ दिखेगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि हमने एंटी मैटर बना लिया है। और अगर एंटी मैटर कोई एक देश बना लिया तो आई एम श्योर कि वो जल्दी ही दुनिया में फैल जाएगी। और अगर ये चाइना के हाथ में चला गया तो वो सबसे पहले इसका यूज़ करके एक वेपन बनाएगा, और अगर कोई एक देश वेपन बना लिया तो दूसरे देशों को मजबूरी में कंपटीशन के लिए वेपन्स बनाना होगा। और आपको पता है, अगर हम एटम बम की तरह एंटी मैटर वेपन को बस यूज़ करने के लिए अपने धरती पर गिराएं तो ये धरती बर्बाद हो जाएगी। डरिए मत, इतना जल्दी नहीं होने वाला है, अभी एंटी मैटर से हम काफ़ी दूर हैं। एंटी मैटर के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट एक नए डायमेंशन को जन्म देता है, और ये वीडियो बस एक कमेंट का ही नतीजा है। इसलिए आप गूगल के फीचर्स को यूज़ करें और माइंड में जो भी इल्यूज़न है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं एंटी मैटर को लेकर, उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं हूँ आपके लिए हमेशा अवेलेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।